डॉट क्लीनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले रोहन से। रोहन कहाँ रहते हैं आप? रोहन मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ, कहाँ रहते हैं आप? वडोदरा वडोदरा में हैं। आइए पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर। बांसुरी कब मैं से बजा जयपुर रहे हैं हूँ। पहले? एक मिनट, बांसुरी कब से बजा रहे हैं पहले ये बताइए। मैं अभी 2 हफ्ते से 10-15 दिन हो गया, मतलब शुरू किया दस हूँ। पंद्रह दिन हो गए। चलिए आप बताइए, क्या प्रश्न है आपका? तो जैसे कि आप, मैं आपको मेरे बच्चा के दिखाता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। इसमें मतलब मेरा ऐसा बजा था, तो कभी कभी मेरा और होता है, पर जब मैं वापस जाता हूँ पीछे की तरफ मंदिर सबसे पर बैठा, हाँ तो उस वक्त है ना मेरा सर से पर ये जो हाँ ऐसा कभी कभी बहुत ठीक से नहीं बनता। अभी क्या फूक आपका वीक है, कमजोर है? पहले तो पानी पीजिए आप, सबसे पहला काम कीजिए, उसके बाद फिर बजाइए। पहले बजाइए, फिर पानी पी कर फिर बजाइए। तो हाँ, पानी ले और फिंगर्स में भी प्रॉब्लम होता है, सांस ले पास में जाए, उंगलियां मतलब होल्स मेरे ठीक से क्लियर बंद नहीं वो तो अभी होती है। 15 दिन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ डील कभी नहीं हो पाएगी आपके, जो भी होगा एक एक करके ही होगा। हाँ फिर से पानी पिया आपने? पी लिया। आप बजाइए, आराम से बजाइए, रिलैक्स होकर आराम से बजाइए। ना, ये देखिए मंत्र शब्द तक में आप चले गए। एक्चुअली क्या है, फेस को पहले थोड़ा डाउन कीजिए, उसके बाद सारे गामा पाधा निशा बजाना शुरू कीजिए। सारे गामा में फेस हल्का डाउन रहेगा, पाधा निशा में थोड़ा सा अप हो जाएगा, फिर से कर लीजिए। ऐसे कभी कभी पा ऐसा हो जाता है। वो फटेगा उसकी चिंता नहीं कीजिए, लेकिन ये मैंने बताया ना टेक्निक, सारे गामा में हाँ फेस थोड़ा सा डाउन, पाधा निशा में थोड़ा साफ कर दीजिएगा। बच गया, अब लौटिए सानी धपा में, वैसे अप फेस में बोलना बजाना है, मगर ऐसा में डाउन फेस कर देना थोड़ा। ये हुआ, मेरी बात आपको समझ में आई? तो क्या है, हाँ ये जो है ना एयर लॉक है यहाँ, अब जब आप ब्लो करते हैं ना, तो आप एक ही जगह खड़े रहते हैं ना, तो वो प्रेशर धीरे धीरे हल्का हो जाता है। तो डाउन करके रखिएगा तो प्रेशर लो रहेगा, और जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ना, तो प्रेशर हाई होके बाहर आएगा। जब हाई प्रेशर बन के आएगा तो पाधा निशा आराम से बचेगा और सानी धपा आराम से बचेगा। मेरी बात समझे? और फिर प्रेशर को जो अंदर से आ रहा है उसको लो करना है, तो ये बिल्कुल पानी का पाइप देखा है आपने ना, पानी का पाइप का प्रेशर कम करना होता है तो क्या करते हैं, उसको धीरे से बेंट कर देते हैं, तो प्रेशर लो हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है, एयर प्रेशर को हल्का सा डाउन, इसको बेंट किया, एयर प्रेशर लो, या फिर इसको रिलीज किया, एयर प्रेशर हाई। ले उसमें नीचे से कोई प्रेशर जनरेट नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो प्रेशर आ रहा है हम उसी से मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है हाँ क्लियर। कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब आइए इनका दूसरा। आप देखें रोहन जी, आप आइए, रोहन सुषमा, ये शुभम, आप आइए, शुभम सिंह लाए हैं आप। हेलो शुभम जी, शुभम है ना आप? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ शुभम जी, चलिए आप बताइए, आप कौन से सिटी से हैं? सर मैं हूँ पंजाब पटियाला से। अच्छा, पंजाब से हैं आप, तो आइए हाँ बताइए आपका क्या प्रश्न है। एक्चुअली सर मुझको ना 1 साल हो गया है फ्लूट प्ले करते हुए, तो राइट, मतलब कि अभी मतलब कि थोड़ी सी ये है कि अब कितने बीपीएम पर मुझको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो बेसिक सरगम्स हैं हमारी वो। अभी बेसिक मैं प्रैक्ट 90 पर, ना, अभी मैं मैं 2 साल हो गया ना, 2 साल हो गया, दो एक साल एक या 1.5 साल हो, 1 से 1.5 साल हो गया सर। नहीं तो 1.5 साल हो गया। तो सरगम क्या है, देखिए जनरल टर्म क्या है, तबले वाले के साथ कभी बैठने का मौका मिला आपको?
ढोलक के साथ बजाइए सर। अच्छा, ढोलक वाले को कहिएगा कि वो कहरवा ले लें, तीन ताल नहीं बोलूँगा, कहरवा ले लीजिए, स्लो मीडियम स्पीड में, फिर डबल स्पीड में, और बोलेगा कि जितना फास्ट हो सकता है उसके साथ आपको बजाना है। बहुत सारे ट्यून्स भी हैं जो आपके पंजाबी ट्यून्स हैं, उनको भी आप बजा सकते हैं, फास्ट से फास्ट बजाना है। ये 90 BPM 1.5 साल वालों को नहीं चलेगा मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या, क्योंकि अगर ढोलक वाले आपके साथ हैं तो सोने पर सुहागा वाली बात है। अब जिनके पास नहीं हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ढोलक वाले हैं तो कम से कम वो तो आपको समझाएंगे कि आप स्लो हो रहे हैं या फास्ट हो रहे हैं, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। मेरी बात समझे? तो पहले स्लो में सरगम कीजिए, फिर उनको बोलिए थोड़ा सा दुगुन करें, फिर चौगुन करें, फिर आठगुन करें। तो आठगुन में भले आपसे नहीं, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कुछ दिन दिक्कत होगा, लेकिन फिर उनके ताल में आपका सुर मिलेगा, और जब मिलेगा तो बहुत खुद ब खुद आपको अच्छा लगेगा। अभी कितना कोई सरगम बजा कर दिखाइए जो आप पहले स्लो में, फिर उसका दुगुन, फिर उसका फास्ट करके दिखाइए, है ना? ठीक दिखाइए। चौगुन करके दिखा दीजिए। ये तो हो गया, और आठ गुण कर दिए। बोल के दिखाइए। अब ऐसा ही बजा के दिखा दीजिए। तो बज रहा है 320 तक तो आप जा रहे हैं। 320 है सर ये? हाँ, ये 320 है, 320 जा रहा है। नॉर्मली मैं मतलब कि 90-100 BPM पर ही करता हूँ प्रैक्टिस। 90-100 मतलब के पता है कितना बोल रहे हैं आप? 900 या क्या बोल रहे हैं आप उसको? 90-90 BPM, 90 से 100 BPM बीच बीच में करता हूँ। 19 से 100 BPM। आई सी, ऐसे ही करता हूँ मैं रूटीन में जो प्रैक्टिस। ये तीन ताल में लगा दिया, ये 320 चल रहा है। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा, बोलिए। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा। बोल के दिखाइए। सस्तानी दफा मगर ससारे गम पदनी सजानी दफा मगर ससानी दफा मगर, ऐसे बोलना है। सारे गम पदनी सजानी दफा मगर ससारे गम पदनी सजानी, बोलिए। सारे गम पदनी सजानी दफा मगर ससारे गम पदनी सजानी दफा मगर ससारे गम पदनी स मगरे सारे गम पदनी सजानी दफा मगर, बोलिए। सतन सतन दफा मगर
मुझे लगता है इससे आप ज्यादा जा सकते हैं, 320 से 360 पर जाके देखते हैं। बोलिए 360। सारे गामा पादा नीसा तानी दा पा मगर ऐसा, सारे गामा पादा नीसा, बोलिए सारे गामा पादा नीसा तानी दा पा मगर ऐसा, सारे गामा पादा नीसा तानी दा पा मगर ऐसा, बोलिए में थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल नहीं हो गया, लेकिन मेरे अबाउट 300 आसपास तक कंफर्टेबल हैं आप। सरगम तो आप कर सकते हैं, 300 तक जा रहा है, आप बोल पा रहे हैं तो बजा भी रहे हैं, आप बजा भी रहे हैं मेरे ख्याल से। वो तो सारे बजाइए, सारे गामा पादा नीसा बजा के दिखाइए। ओंकार अपने नए क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। अब उसमें जो भी सरगम आता है बोलना पहले होगा आपको, क्या है अगर फंसता है कोई भी अलंकार को बोल बोल के अभ्यास करना है, बोलना पहले बहुत जरूरी है ना। बोलने पर क्या है ये जबान है ना, जबान फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सारे रेगा गा मा मा पा पा दा दा नी नी है, सारे जागा रेगा रे मा गा मा गा पा मा पा मा दा पा दा पा नी दा नी दा सा। गाना सुर में आए या नहीं आए, जो शब्द है वो लय में खाली आ जाए। सारे जागा रेगा रेमा या सारे गागा रेगा मामा गामा पापा मापा दादा पादा नी नी दानी सासा सानी दादा नी दा पापा दा मामा पामा गागा मागा रे रेगा रे सासा। खाली बोलना लय में आ जाए। तबले वाले जब बजाएं आपके मित्र ना, तो उनके साथ खूब बोलिए सारे गा दागिन देने सारे गागा रेगा मामा, उनके साथ बोलिए। बोलने के बाद जब 10-15 मिनट आधा घंटा बोलने से थक जाए तब बांसुरी उठाइएगा। पहला टेक्निक ये है, डायरेक्ट जाके बजाने नहीं लगना है। मेरी बात आपको समझ में आई? डायरेक्ट बजाना नहीं है, पहले खूब बोल बोल कर आपको भी समझ में आ जाए, उनको भी समझ में आ जाए कि आप क्या चाह रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं। हाँ प्रभु बोलिए, खुश रहिए, बोलिए। हाँ राग का रो अब रो और बंदिश बजा के भेज दीजिए। हाँ वो कर दीजिएगा, पेटीएम या गूगल पे जो ऐसे भी करना हो कर। ठीक ठीक मेरी बात समझ में आ गई। आइए तब तक आप अपना मनन कीजिए, थोड़ा सा ओंकार को देख लें। आज बहुत कम लोग उपस्थित हैं, भाग्यशाली हैं आज आप लोग के साथ खाली दो ही लोग हैं। चलिए ओंकार आपका दूसरा प्रश्न देखें। 15 दिन में आप अच्छा बजा रहे हैं, कम नहीं है आपका। सर ये मेरा माँ से पा में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये नहीं हो, 15 दिन में नहीं होगा। ये एक ऐसा प्रश्न है, 6 महीने और साल भर के अंदाज में ये डील होता है। दूसरा कोई प्रश्न देखो, 15 दिन का ये प्रश्न नहीं है। ऐसे ये जो बताया है फार्मूला, गर्दन वाला जो बताया है ना, ध्यान हो कहाँ बदलने के लिए बोला है, सारे गामा में डाउन पादा निशा में आप करते हैं, ये धीरे धीरे ये आपको फ्लेक्सिबल कर देगा उस तरफ ले जाने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आई? ये अपने आप ये इसको भी डील कर देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा आपको। मेरी बात समझ में आई? और एक घंटे रोज प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं वैसे में कौन क्या प्रैक्टिस करूँ, पहले तो मैं लॉन्ग नोट्स करता हूँ जैसे कि सा वाला पा वाला, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या करते हैं कि अब क्योंकि अभी मतलब मेरा माँ से पानी हो रहा है ना, तो जो भी मैं मतलब करता हूँ तो उसके बाद मेरी बात आप समझो, माँ से पानी हो रहा है ये तो पहले दिमाग से निकल जाओ। कुछ टाइम लगता है ना, पौधा जब बीज रोपते हैं तो पहले तो 4 पत्ते निकलेंगे, फूल नहीं आ रहा है, फूल तुरंत नहीं आएगा तो 6 महीने टाइम देना पड़ेगा। तो आप मेरी बात आपसे गांठ बांध लो, यू हैव टू वेट 6 मंथ, ठीक है। और वो जो है ना सारे गामा पादा निशा में जो हमने बताया है ना, ये जो ग्रीवा संचालन यानी नेक मूवमेंट, उसको आप करेंगे ना, ये इस जगह से आप निकल जाए, ये भी आपको साथ में ये डील हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से आपको इस पर मेहनत करनी है, वो उसी टेक्निक से ये भी आ जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई? और कोई प्रश्न है आपका? हाँ सर, लॉन्ग नोट की बात मतलब मेरे को आगे क्या करना चाहिए रूल? लॉन्ग नोट पर भी क्या सरगम याद करते हैं कि खाली देख के बजा लेते हैं? मतलब याद है मेरे को, मतलब ऐसे ही बजा दो, देखता तो नहीं।
तो सरगम कौन सा याद है अभी रिसेंटली कौन सा बजाया आपने? मतलब मैं वही नॉर्मल वाला सरगम ही सारे गांव पादा नहीं सब वही बजा रहा हूँ आरोह अवरोह में। काली आरोह अवरोह और सरगम कितने सरगम आपने कल लगभग याद किए? नहीं अभी तक तो मैंने मतलब यही मेरा ठीक से मां से पा मतलब वो हो नहीं रहा था स्मूथली तो मैं अरे नहीं, किसी पे वो तो मैंने बोल दिया आपको कि वो टाइम लगेगा, क्लियर है उसको। और सरगम नया सरगम देखो, नया सरगम कम से कम 10 सरगम का लिस्ट कर लो, 10 सरगम को लिस्ट कर लो, जो भी आपको समझ में आए मेरे चैनल से देख कर, दूसरे के चैनल से देख कर, किसी बुक से देख कर, जहाँ भी आपको रेफरल मिले 10 को देख कर एक डेली याद करो, एक को डेली फोकस करो। आज इसको कर लिया कल दूसरे को करो, तो बोलना भी है जरूरी। सरगम मैंने बोला ना, बोलना जरूरी है। बोलना क्या है? स्लो मोशन है ना, थोड़ा सा मीडियम मोशन, फिर फास्ट मोशन, यानी 1 गुण में 2 गुण में 4 गुण में। पहले बोल लो, आधा घंटा पहले बोलना है, आधा घंटा जब आप बोल लोगे ना तब फिर उसको बाद बजाना है। डायरेक्ट आप बजाने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट नहीं आना है। रिजल्ट क्या है, जो 6 महीने में आना है वो बहुत टाइम लगेगा। और ये मात्र देखो, आप रट्टा मारोगे ना उसको, बोलते 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 साउंड दिमाग में बैठ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 6 दिन 7 दिन में एक सरगम अपने आप है ना फिक्स हो जाएगा। 1 गुण 2 गुण तो आप निकाल लोगे, 4 गुण में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आपका अभी सीखते हुए ज़्यादा नहीं हुआ, 2-3 वीक हो रहा है, तो फिर आएगा, महीना 2 महीना और बीतेगा। तो 10 सरगम का बंच बना लो और 10 सरगम 10 दिन में आपको करना है। आज ये सरगम किया, कल दूसरा किया, तो थोड़ा वेरिएशन भी रहेगा और मन भी लगेगा। आज ये वाला कर लिया, कल ये वाला कर लिया, परसों ये वाला किया, रिपीट मोड में नहीं। जब आपको टाइम ज़्यादा हो जाए तो 10 सरगम बैठकर एक साथ आप कर लिया। लेकिन याद रखना है, बोलने का जो अभ्यास करना है, स्लो मोशन, मीडियम मोशन और फास्ट मोशन, इसका आपको खास ख्याल रखना है। स्लो मोशन के में खाली पड़े रहेंगे तो वो दिक्कत होगी, फिर आप वहीं का वहीं आप खड़े के खड़े रह जाएंगे, ठीक है ना। चूँकि आपकी एज सब आप लोगों की दोनों की एज है 16+ है, ठीक है ना, तो इसलिए वो आप समझ सकते हैं कि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो बजेगा नहीं। बजाने के लिए पहले बोलना पड़ेगा, माइंड उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेगा तो समझ में आ जाएगा कि जो शब्द जा रहा है किस अंदाज से और किस लय से जा रहा है। लय तो समझना पड़ेगा ना, सारे रेगा ये तो मीडियम है, सारे रेगा ये फास्ट है, सारे रेगा सारे रेगा सारे रेगा सारे रेगा ये 8 गुण में चले गए हम लोग, है ना, 360 के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। तो ये बोलना है तब ना फिंगर भी चलेगा, उसके साथ साथ जीभ भी चलेगी, टंगिंग भी चलेगी, क्लियर है, दिमाग में आया? आइए अब आप इनसे लेते हैं, शुभम से। शुभम आप बताइए, और मेरे हिसाब से कोई ऑनलाइन नहीं है ना, हम लोग में 7 दिख तो 7 लोग रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में केवल 3 ही लोग हैं, हम दोनों हैं, हम हैं आप दोनों हैं, है ना। हाँ एक और बात, मैं वो जो हमारी मीड होता है मुर्खी होता है वो बजा सीख सकता हूँ अब? मीरा मुर्की तो आप सीख रहे हैं, मीरा मुर्की कोई सीखने की कोई चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई सीखने की चीज़ नहीं, पैदा हुए थे आप मीरा मुर्की के साथ, ठीक है ना। पहली बार आप जब पैदा हुए और रोए थे ना तो मीड में आप रोए थे, याद रख रहे हैं, और हंसते हैं ना तो गमक में आप हंसते हैं। ये चीज़ सीखने सिखाने की नहीं है, ये बहलाने की चीज़ है, क्योंकि आप याद बचपन से आप जहाँ भी आप रह रहे हैं ना गाने तो सुनते होंगे ना, घर में कोई फंक्शन होता है, घर में महिलाएं गाती हैं, चलो कहीं कोई मर गया, आप वहाँ पर रोना बिलाप जो देखते हो ना वो भी मीड में ही होता है, रोना भी है ना, ऐसा नहीं रोते हैं, मेरी बात आपको सहना है, समझ में आ रही है, रोना भी होता है तो थोड़ा सुर में होता है लोगों का, आप देखोगे तो। ये कोई सीखने सिखाने की चीज़ नहीं है, बचपन से आप गाने सुनते आ रहे हो, गाना गुनगुनाते आ रहे हो, तो देखो ऐसा थोड़ी है इस गाने में मीड कहाँ है और ये गमक कहाँ है, खटका कहाँ है, मुर्की कहाँ है, बाद में लोग खोज सकते हैं, आप फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अनायास, अनायास मतलब समझते हो ना, बिना बताए बिना जाने हुए आप उस चीज़ को कर पा रहे हो। हाँ अब उसको समझना है कि इस जगह पर वास्तव में क्या है, ये क्या है, एक किसी खास पॉइंट आउट को करते हैं, इसमें कहाँ पर क्या है, इस पर कहाँ है, लेकिन ये सीखने वाली बात है तो ये बेमानी है, मेरे हिसाब से तो बेमानी है, मेरी बात आप समझ रहे हो, ये बेमानी है। बजा रहे हो सरगम बजा रहे हो तो आप मीड में ही बजा रहे हो, अभी तो सरगम आप जो कर रहे थे ना,
में ही है। मीड का मतलब क्या है, ध्यान रखना, एक सुर को इस तरह से कहना या एक सुर को इस तरह से कहना कि दूसरे सुर पर जाते हुए टूटता हुआ वो नहीं दिखाई दे, मेरी बात समझे। आप इस तरह से यहाँ से सा से रे ऐसा जाओ कि सा रे नहीं समझ में आए, वो आए सा रे गा, आप मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है सा के घर से रे निकला, रे के घर से ग निकला, ग के घर से म निकला। तो जैसे होता है ना फूलों की माला बनाते हैं ना, तो सुई में से उसको है ना, सुई धागे से उसको पिरोते हैं, तो वो क्या है, वो आपकी सांस है ना, वो पिरोते हुए जा रही है सुरों को, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये क्रिया मीड़ हो गई। अब मीड़ की क्रिया को जब जल्दी जल्दी कहते हैं तो ये गमक में बदल जाता है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है जी सर। मीड़ को जब जल्दी से कहते हैं तो वो गमक कहलाता है, यानी मेरी बात आप समझ लीजिए, जो ऑर्नामेंटेशन है ठीक है ना, वो उसका एक ही नाम है, वो है गमक। गमक के 15 प्रकार हैं, ठीक है। जो सबसे पहला प्रकार है वो है मीड़। सुर को इस तरह से कहना कि एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हुए वो टूटन महसूस नहीं हो, टूटा हुआ महसूस नहीं हो, कनेक्टिविटी जुड़ाव महसूस हो, मेरी बात आपको समझ में आ गई। गमक क्या कहता है, जो गमक विशेष जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, स्वर को हिलाने की प्रक्रिया को गमक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर को हिलाने की प्रक्रिया को गमक। स्वर को दो प्रकार से हिला सकते हैं, एक तो फिंगर के थ्रू और एक नेक के थ्रू, तीसरा बांसुरी के थ्रू। स्वर को हिलाना ही है ना, देख रहे हैं ना, स्वर को हिला रहे हैं क्या, सा को सारे 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 सा, तो वैसे बोलते हैं आओ है ना, आ जस्ट लाइक इको जैसा हो रहा है, मेरी बात समझ आ रहे हैं, देखो करके देखो आप, इको समझते हैं ना आप, इको तो समझ आता है वो, तो आप माइक पर आप बैठो तो आपको पता चलता है यहाँ गमक है। तुम भी ओंकार, तुम भी करके देखो, ऑडियो ऑन करो, तुम भी देखो, बस बाकी आप लोग को सुझाव देंगे, आप लोग बुक तो जरूर ले लीजिएगा जो है ना, आप तो सूरत में हैं, आप कहाँ हैं सुबह, आपने कहाँ बताया, पंजाब पटियाला से सर, आज पटियाला में है, तो आप देखिएगा वहाँ पर बोर्ड में इस म्यूजिक के लिए एक एक ही बुक चलती है, राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4, राइटर दो हैं, एक हरिश्चंद्र प्रसाद श्रीवास्तव और एक है एक और लेखिका है, मेरा ध्यान से उतर गया उनका नाम, लेकिन ये दोनों मिलेगा, राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4 आप खोजेंगे तो इन्हीं दोनों का मिलता है। और ये हाँ क्या बोल रहे हैं, म्यूजिक की बुक होती है सर ये, हाँ ये म्यूजिक की बुक है, राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4 ले लीजिएगा तो ये मास्टर डिग्री तक के लिए उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल सब उसमें अवेलेबल रहता है, क्लासिकल के लिए नॉलेज भी सारे इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फिर उनसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझे, तो उससे आपको मिल जाएगा, ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से 1000 में चारों बुक आ जाएगी आपकी, 1000 में चारों, राग परिचय, राग परिचय, राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4 राग परिचय भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 मुझे लगता है 7000 रुपये में ये चारों बुक आ जानी चाहिए आपकी, ठीक, आज के रिसेंट में, चूंकि मैंने 10 साल पहले लिया है तो 500 अराउंड में सब आ जाता था, अभी प्राइस हाइक में होगा तो 1000 में आएगा ये चारों लेकर, कुछ नहीं उपन्यास की तरह आप थोड़ा सा पढ़ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको जो थ्योरीज हैं उसमें कन्फ्यूज़न जो होता है ना, चूँकि हम इंटरनेट की दुनिया में हैं तो हर कोई अपने हिसाब से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ है ठीक है ना, जो गुणीजनों ने लिखा है
उसको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है। तो आपको टू द पॉइंट आपको समझना है कि ये इसका मतलब इतना ही होता है, इससे ज़्यादा न इससे कम, है ना। ये दोनों चीज़ों को हमें समझना है। और कोई प्रश्न है शुभम और ओंकार आपका? मेरे ख्याल से आज का प्रश्न में और कोई है आपके दिमाग में कोई है? एक वो रहता है कि जो मतलब कि नोट्स वगैरह होते हैं वो मतलब कि अपने आप से वो कैसे निकालते हैं सुनकर, मतलब इसके लिए दो तरीके, इसके लिए दो तरीके हैं। सेल्फ लर्निंग का एक लिमिट है, याद रखना, कहीं ना कहीं टीचर से आपको मिलना ही पड़ेगा। आप लोकल में हो तो लोकल में मिलो, ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन सीखो, या कहीं जाकर आपको सीखना है तो सीखो। एक बात तो ये समझ लो, बहुत सारी जो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल में जो समस्याएं होती हैं वो ऐसे दूर होगी, नंबर एक। नंबर दो, कम से कम आपको जो हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक है उसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसके सारे गानों को आपको फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 30 रागों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो बॉलीवुड मूव करता है, जिसके इर्द गिर्द घूमता है सारा बॉलीवुड का म्यूज़िक, वो करीब करीब जो जो फेमस राग हैं 30, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो वो यमन, भोपाली, दुर्गा, ये सारी चीज़ें देखिए आप, बिलावल देखो आप, है ना, काफ़ी देखो, तोड़ी देखो, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब रागों को आरोह अवरोह पकड़, ये सब चीज़ों का खूब अभ्यास करना होगा आपको। बंदिश अगर हो सके तो फिर बंदिश भी आप कर सकते हैं, लेकिन रागों का अभ्यास तो करना पड़ेगा। दूसरा उपाय है कि 200 गाने का लिस्ट कर लो, नोटेशन 200 गाने का आपको याद करना है, टारगेट बना लेना है, सिंपल। दोनों का दो रास्ते हैं, दोनों का परिणाम एक ही आएगा। या तो हिंदुस्तानी क्लासिकल से जाओ, 25 से 30 रागों को आप अच्छे से अभ्यास कर लो, या 200 गाने को अपने पसंद के गानों को लिख लो, नोटेशन को फाइंड आउट करो और उसको एकदम उसको माइंड में बसा लो। 200 गाने का मतलब 200 वीक, पर वीक एक गाना हम मान के चलते हैं, मंथली एक राग कम से कम मान के चलते हैं, तो 30 महीने उधर चले जाएंगे, बीच बीच में आप और मान के चलो, तो चार मेरे ख्याल से ये लगता है, ये आपको देख लो। ये शॉर्टकट नहीं है, बिना लॉन्ग कट है, सिंपल रास्ता है, परिणाम एक ही आएगा, ठीक है ना। चाहे आप बॉलीवुड के रास्ते जाओ एक, या क्लासिकल म्यूजिक के रास्ते आप जाओ, तो ये दोनों रास्ता जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा रिजल्ट आपके दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट होगा तभी रिजल्ट दिखेगा, नहीं, आप करते जाओगे आप तो हर 6 महीने बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया। सिर्फ आपने मतलब कि मुझको देखा है प्ले करता, अब मैं राग वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ, तो कर सकते हो, 320-360 क्रॉस कर रहे हो तो राग बजाना चाहिए आपको। सर मुझे इसके बाद स्किल पे, अभी मैं सी स्किल लिया हूँ 3 एच। हाइट कितना है, हाइट कितना है आपका ओंकार? 5.10 है, तब तो बहुत अच्छी बात है। वो अभी 2 महीने और बजा लो इसको, आप 3rd महीने में जी बेस ले लेना आप। जी बेस? हाँ, अभी 15 दिन हुए हैं इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2 महीने इस पर आप फोकस कर लेना। PVC नहीं इस्तेमाल करना। हाँ हाँ, PVC नहीं इस्तेमाल करना। क्यों? बाहर आप जाते हो ना, वो मोमो चाट खाते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो वो बाकी वो भी खाते होंगे आप, वो क्या कहते हैं, बाजार में जाए तो बाजार की चीज़ें खाते हैं ना, तो वो इसलिए बाजार की चीज़ों में कुछ ना कुछ केमिकल्स तो मिला ही रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, तो ध्यान रखना है। PVC नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर वो लार में है तो PVC के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा, वोकल कॉर्ड को परेशान करेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सर एक बात बताइए, अब मतलब कि आगे के प्रैक्टिस में, अब मेरे पास ये बी बेस है, इस पे ही करूं या कोई बेस फ्लूट पर करूं? नहीं, अब तो 1.5 साल हो कि आपको तो ई बेस में अब तक पहुंच जाना चाहिए था। ई बेस में मतलब अभी अभी ली है मैंने वो, मतलब कि उसमें लॉन्ग नोट करता हूं सभी ई बेस में, अब सिर्फ ई बेस में, तो धीरे धीरे उस पर आधा घंटा डेली करना है, आधा घंटा डेली पहले उसको बढ़ाइए, या उसको ऐसे कीजिए 15 मिनट डेली, अगले दिन 20 मिनट, मतलब डेली आधे घंटे पर तो आ जाना है आपको, कोशिश कीजिए आधा घंटे पर आ जाने के लिए, क्योंकि अब तक आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए परमानेंटली। मैंने बोला ना उनको, ओंकार को ही बोला ना, 3rd महीने में जी बेस ले लेने का है, 6th महीने पर ई बेस पर चले जाने का है, वेट नहीं करना है, क्योंकि फिक्स होने में, फिंगर को फिक्स होने में 6 महीने टाइम लगेगा। मेरी बात आप समझे, जी पर जब फिक्स करोगे तो सी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ई जब बेस शिफ्ट करोगे आप तो जी बेस सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब डी पर आप बेस करोगे
तो डी तब ई जाकर सॉफ्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप शिफ्ट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं होगा। उसको सॉफ्ट करने के लिए उससे बड़ी बांसुरी आपको चाहिए ही चाहिए, मेरी बात समझे? उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का है, मतलब कि अब जितना हो सके मैं ई बेस पर अपना सब कुछ वो शिफ्ट कर लूंगा। हाँ, शिफ्ट करिए। हाँ, ई बेस में जरा भी प्रॉब्लम लगे तो ई के बाद डी ले लेने का है, डी पर थोड़ा मेहनत करना है, ई अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर, आज इतना हम लोग रखते हैं। और कोई प्रश्न है आप ओंकार आपका, और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं अभी नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से आप लोग कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक कुछ नए लोगों के साथ हम बैठेंगे। नमस्कार, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच सर, अपना ध्यान रखिए।